मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स में आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा वर्नियर कैलिपर। तो यह एक्चुअल इमेज है वर्नियर कैलिपर का, हम देख सकते हैं यहाँ पे वर्नियर कैलिपर है, यह उसका एक्चुअल इमेज है। तो वर्नियर कैलिपर में आपके डिफरेंट पार्ट्स होंगे और वर्नियर कैलिपर का कहाँ यूज कर सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स को और डिफरेंट यूजेज को हम डिस्कस करेंगे आगे। तो वर्नियर कैलिपर में जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे, डिफरेंट जो इसका यूज होगा उसको हम यूज कर सकते हैं हाइट मेजरमेंट करने में, डायमीटर मेजरमेंट करने में, या हम उसको क्या कर सकते हैं डेप्थ मेजरमेंट करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का यूज हम कर सकते हैं हाइट मेजरमेंट करने में, डायमीटर मेजरमेंट करने में, और हम क्या कर सकते हैं इसका डेप्थ मेजरमेंट करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हमें डायमीटर ही मेजर करना है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे इस पॉइंट पे देख सकते हैं मेजर कर रहे हैं डायमीटर, तो डायमीटर हम इसका इंटरनल डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी। तो यहाँ पे कोई पार्ट है, कोई सर्कुलर डिस्क है, तो उसका एक्सटर्नल डायमीटर अगर हमें मेजर करना है तो हम ऐसे इस पार्ट में यहाँ पे इंगेज कर देंगे और मेजरमेंट हो जाएगा। कोई मान लीजिए हमारे पास हॉलो सेक्शन है और उसका हमें इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, तो इंटरनल डायमीटर अगर मेजर करना होगा हॉलो सेक्शन का, तो इनके यहाँ पे ऊपर जो आपके पास यहाँ पे हम क्या करेंगे इंगेज करेंगे और हमारा क्या होगा मेजरमेंट हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स का। तो यहाँ पे ये ऊपर का जॉ है और यह जॉ का हम यूज करते हैं इंटरनल मेजरमेंट करने के लिए। और फिर यहाँ पे है आपके पास यहाँ पे जो जॉ है उसका यूज करते हैं आउटर डायमीटर को मेजरमेंट करने के लिए। जो नीचे का जॉ है इसका यूज करते हैं, इस जॉ का यूज करते हैं हम आउटर डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए। और टॉप का जो जॉ है उसका यूज करते हैं ऊपर के जॉ का हम यूज करते हैं इंटरनल डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए। यह पार्ट जो होता है आपका फिक्स होता है, जॉ में जो दो पार्ट है तो उसका एक पार्ट जो है वो फिक्स है, ये वाला पार्ट जो जॉ का है वो ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स पार्ट है और ये पार्ट आपका मूव करेगा। और आपका देख सकते हैं यहाँ पे स्केल भी है, स्केल में ये आपका स्लाइडिंग जब जब स्लाइड करेगा तो स्केल पे मूवमेंट होगा इसका और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा डायमीटर मेजरमेंट होगा। तो स्केल में जो हमारे पास पार्ट्स है, जो स्केल है डिफरेंट स्केल है, वो हमारे पास क्या है एक मेन स्केल है, यह हमारा मेन स्केल है, यह जो स्केल है ये हमारा मेन स्केल है। फिर मेन स्केल के बाद हमारे पास क्या है वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल कहाँ पे है, यह जो स्केल है ये हमारा वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपका लिस्ट काउंट भी मेजर दिया हुआ है। तो जो भी स्केल होगा उसका लिस्ट काउंट आपको गिवेन होगा। लिस्ट काउंट क्या है ये हम समझ लेते हैं कि लिस्ट काउंट क्या है। तो लिस्ट काउंट एक वर्ड है जिसका सिंपल मीनिंग है कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम स्केल की बात करेंगे तो अगर सिंपल एक स्केल है, प्लेन स्केल है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं 1 mm का मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर प्लेन स्केल है, यही मान लीजिए आपका स्केल है, तो जो मिनिमम मेजरमेंट हो सकता है वो स्केल से वो 1 mm आपका हो सकता है। तो स्केल का लिस्ट काउंट 1 mm हो गया। लेकिन यह जो वर्नियर कैलिपर है इससे जो मिनिमम मेजरमेंट हो सकता है वो आपका कितना 0.05 mm हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट हो जाएगा वो 0.05 mm हो जाएगा। तो हमारे पास वर्नियर स्केल है, मेन स्केल है, यहाँ पे एक क्लैंपिंग स्क्रू है, जब हम फिटिंग कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या है एक क्लैंपिंग स्क्रू है, तो इससे हम क्या करेंगे क्लैंप कर देंगे, ये हमारा क्लैंपिंग स्क्रू है। और फिर आपका है यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, तो फाइन एडजस्टमेंट करना है तो फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए यह स्क्रू है हमारे पास, जिसका हम क्या कर सकते हैं फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। स्केल कैलिब्रेटेड इन mm, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो स्केल है वो आपका mm में कैलिब्रेटेड है। तो यहाँ पे जो स्केल है वो आपका कैलिब्रेटेड है mm में। तो यहाँ पे स्केल है कैलिब्रेटेड है mm में। फिर आपके पास है गाइडिंग सरफेस है जिससे हम गाइड करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये गाइडिंग सरफेस है हमारा। फिर यहाँ पे जो स्केल है वो कैलिब्रेटेड इन इंचेज है, तो यहाँ पे जो स्केल है वो इंच में कैलिब्रेटेड है, तो ये स्केल क्या है कैलिब्रेटेड इन इंचेज है। फिर क्या होता है यहाँ पे एक सिंपल प्लेन एक रॉड भी निकला हुआ होता है, इस रॉड का काम होता है आपका डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए। तो एक रॉड निकला रहेगा जिससे हम क्या कर सकते हैं डेप्थ का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि
या डिफरेंट पार्ट्स क्या है आपका वर्नियर कैलिपर का, और फिर हम आगे देखेंगे इसका यूज कैसे करेंगे। अभी हमने समझा कि लिस्ट काउंट क्या होता है। तो लिस्ट काउंट क्या है कि जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम आप मेजरमेंट कर सकते हैं वो उसका उस पर्टिकुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, मेजरिंग टूल का, वो लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो वर्नियर कैलिपर यह जिसका लिस्ट काउंट 0.05 है, लिस्ट काउंट और भी वर्नियर कैलिपर होते हैं जिसके लिस्ट काउंट 0.01 mm तक भी जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या है कि ये जो आपका वर्नियर स्केल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। वर्नियर स्केल अगर 50 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे तो वो आपका, और यहाँ पे अगर 0.5 है तो 0.01 mm एक्यूरेसी तक भी जा सकता है। तो अभी कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं वर्नियर कैलिपर में। तो वर्नियर कैलिपर में क्या होगा, एक बीम होगा जो मेन स्केल को कैरी करेगा। तो ये आपका बीम है, यह बीम है जो कि मेन स्केल को कैरी करता है। इसमें मेजरिंग जॉज होते हैं, ये देखिए आपका मेजरिंग जॉ है, यह भी आपका मेजरिंग जॉ है। डेप्थ मेजरिंग बार है इसमें, पीछे से लगा हुआ है, डेप्थ मेजरिंग बार है इसमें, और आपके इसमें क्या है वर्नियर स्केल है, साथ ही मेन स्केल भी है। इसमें हम क्या करते हैं, फाइंड एडजस्टमेंट स्क्रू देते हैं। इसका यूज होता है जब आपको वेरी स्मॉल एडजस्टमेंट करना होगा, जब आपको बहुत कम वैल्यू का माइक्रोन में एडजस्टमेंट करना होगा मेजरमेंट में, तो हम इसका यूज करते हैं। क्लैंपिंग स्क्रू दिया हुआ होता है ताकि आपको जब आपने एडजस्टमेंट कर दिया है तो उसको लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जॉ को अगर आपको लॉक करना है ताकि अगर आप रीडिंग ले सके या मेजरमेंट ले सके, मेजरमेंट को स्टडी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लॉकिंग स्क्रू देते हैं ताकि ये जो आपका मेजरमेंट होगा वो फिक्स होगा। आगे कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं हम कि अगर जो डायमेंशन है उसका मेजरमेंट देखना है कि क्या मेजरमेंट हो रहा है उसका, तो उसमें आपको क्या करना होगा, मेन स्केल का रीडिंग देखना होगा कि मेन स्केल का रीडिंग क्या है। फिर आपका वर्नियर स्केल का रीडिंग देखना होगा कि वर्नियर स्केल का क्या रीडिंग है, और उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल के रीडिंग के साथ ऐड कर देना होगा। तो ये जो आपका डायमेंशन है उससे मेजरमेंट हो जाएगा। बहुत ही आसान है वर्नियर स्केल का कैलिपर, वर्नियर कैलिपर को यूज करना बहुत ही आसान है। अभी हम मेजरमेंट भी करेंगे। तो हम जो मेन स्केल पे मेजरमेंट कर सकते हैं वह 1 mm हो सकता है, या कभी कभी 0.5 mm भी मेजरमेंट हो सकते हैं। तो मेन स्केल पे लेकिन आपको जो मेजरमेंट मिलेगा वो 1 mm का होगा, एक्यूरेटली 1 mm तक होगा। बट अगर आपको जो कि हम स्टील रूल से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर और भी एक्यूरेट चाहिए जैसे कि 0.42 का मेजरमेंट करना है, तो आपको क्या करना होगा, वर्नियर कैलिपर का यूज करना होगा। यह एक वर्नियर कैलिपर का मेजरमेंट है, और इस मेजरमेंट का हम देखते हैं कि क्या है इसका रीडिंग और इसका क्या रीडिंग आपका होगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये वर्नियर कैलिपर में क्या है कि ये यहाँ पे 50 पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पे 50 पार्ट में डिवाइडेड है, और आप देख सकते हैं कि ये आपका 1 mm का है, 1 mm है। यहाँ से देख सकते हैं हर एक के बीच में 10 आपके पास पार्ट्स हैं, यानी कि 1 mm है, हर एक पार्ट 1 mm का है। तो आपको क्या करना है, पहले हम देखते हैं कि इसका लिस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं कि यह वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है। तो बहुत ही आसान है लिस्ट काउंट का कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे 1 mm को हमने क्या किया, 50 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 1 mm को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 50 पार्ट में डिवाइड किया है, तो लिस्ट काउंट आपका हो जाएगा। तो लिस्ट काउंट क्या, 50 वर्नियर स्केल का डिवीजन जो है वो 49 वर्नियर स्केल के डिवीजन से मैच करता है, यानी कि एक वर्नियर, यानी कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो कितना, 49 mm के इक्वल है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह जो लिस्ट काउंट होती है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन से हम लिस्ट काउंट निकालते हैं। 1 मेन स्केल डिवीजन से और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन से हम निकालते हैं। 1 मेन स्केल डिवीजन का जो मेजरमेंट होगा वह 1 mm होगा, और एक वर्नियर स्केल का क्या कितना होगा, तो ये एक वर्नियर का हो जाएगा। यहाँ से 50 वर्नियर का मेजरमेंट 49 mm है, तो एक वर्नियर का कितना हो जाएगा, 49/50 mm हो जाएगा। तो 49/50 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यह हो जाएगा आपका कितना, यह आपका 49/50 का मेजरमेंट करेंगे तो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आपका 1 mm है, और 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इतना कितना है, 0.98 है, 0.98 है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.02 mm है। इससे पहले आपने, हमने जो वर्नियर देखा उसका लिस्ट काउंट 0.05 mm था, इस वर्नियर का 0.02 है। तो पहले हमें क्या करना होगा, लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना होगा। बट आप देख सकते हैं कि बहुत सारे
इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या होगा, बहुत सारे आपके जो वर्नियर कैलिपर्स होंगे उसमें आपको लिस्ट काउंट गिवेन होगा, वहाँ पे मेंशन होगा कि लिस्ट काउंट कितना है, उससे आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो आप लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, या लिस्ट काउंट दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक एमएम को 50 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि एक पार्ट कितना हो जाएगा, 1/50, यानी कि 1/50 हो जाएगा एक पार्ट को। यहाँ देखिए एक एमएम को हमने 1 एमएम को 50 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी कि एक पार्ट कितना हो जाएगा, 1/50। तो एक पार्ट हो जाएगा 1/50 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, पॉइंट इतना एमएम हो जाएगा, 1/50 एमएम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.02 एमएम। तो इस तरह से भी लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, या एक मेरी अल्टरनेटिव तरीका है, या लिस्ट काउंट आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एक मेन स्केल रीडिंग माइनस एक वर्नियर स्केल रीडिंग से निकाल सकते हैं कि लिस्ट काउंट उसी इक्विपमेंट का क्या है। बट इन जनरल आप देखेंगे कि अगर आपने एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर परचेस किया है तो आपको लिस्ट काउंट वहाँ पे मेंशन होगा। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है उसमें लिस्ट काउंट मेंशन है 0.05 एमएम है, क्योंकि यहाँ पे 1 एमएम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो 1 एमएम को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 एमएम को यहाँ पे 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो एक पार्ट कितना हो जाएगा आपका, तो एक पार्ट आपका हो जाएगा 1/10। 1 एमएम को यहाँ पे 1 एमएम नहीं, 0.5 एमएम को यहाँ पे 0.5 एमएम देख सकते हैं कि इसके बीच में 0.5 है, तो 0.5 एमएम को 10 पार्ट में डिवाइड किया है, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, 0.5/10, यानी कि कितना हो जाएगा, 0.05। तो 0.5/10 यानी कि 0.05 आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक या 0.5 एमएम को आप कह सकते हैं कि 10 पार्ट में डिवाइड किया है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पार्ट्स 20 है, क्योंकि ये हर एक के बीच में आप देख सकते हैं 2 पार्ट्स हैं, तो 2 है, तो यानी कि 1 एमएम को 20 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये यहाँ देख सकते हैं 20 पार्ट में, क्योंकि हर एक के बीच में एक और है, तो 1 एमएम जो हो जाएगा 1/20 यानी कि 0.05 एमएम हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, या लिस्ट काउंट निकालने का यह भी तरीका है कि आप 1 मेन स्केल डिवीजन देख लीजिए माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन देख लीजिए। तो इस तरह से हमने क्या किया कि वर्नियर कैलिपर का देखा कि लिस्ट काउंट क्या है और कैसे फाइंड आउट करेंगे। 2 तरीका हमने बताया वर्नियर स्केल पे लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने का कि क्या है तरीका। एक तरीका आपका 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग से आप निकाल सकते हैं। दूसरा आपका जो कितने एमएम को मेन स्केल के कितने एमएम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है उससे आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 एमएम को 50 पार्ट में डिवाइड किया है तो 1/50 हो गया, और वो 0.02 आपका एमएम हो जाएगा। बाकी में आपने देखा कि एक पार्ट को 20 एमएम में एक एमएम को 20 पार्ट में डिवाइड किया गया था, हाँ सॉरी, हाँ 1 एमएम को 20 पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, तो 1/20 एमएम हो जाएगा, और वहाँ से निकल जाएगा 0.05 एमएम, जो वहाँ पे वर्नियर कैलिपर पे मेंशन भी था। तो इस तरह से हमने क्या किया, लिस्ट काउंट फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे जो लिस्ट काउंट है, यह जो मशीन है, अगर आपको 0.01 एमएम का लिस्ट काउंट चाहिए तो 10 वर्नियर स्केल का डिवीजन जो होना चाहिए वो 9 एमएम में होना चाहिए, और लिस्ट काउंट 0.1 एमएम हो जाएगा। तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.1 एमएम आपका हो जाएगा, तो 9/10 0.9 हो जाएगा, तो 0.1 एमएम हो जाएगा। ये आपका लिस्ट काउंट 0.1 एमएम के लिए क्या हो करना होगा कि 10 जो आपका 9 एमएम को क्या है वो आपका 10 पार्ट में डिवाइड करने से आपका मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट लिस्ट काउंट के वर्नियर कैलिपर मिलते हैं, और आपको एक बार या तो लिस्ट काउंट फाइंड आउट कर लेना होगा, या आपको देख लेना होगा, अगर मेंशन है तो लिस्ट काउंट आपको क्या करना होगा, देख लेना होगा। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे वर्नियर स्केल का हम रीडिंग लेते हैं और कैसे हम उसका मेजरमेंट करते हैं। जैसे इसी का हमें मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट करना है तो बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि 20 तक एमएम तक तो है, इसका 0 देखिए, 0 कहाँ है, तो 0 देख लीजिए, तो 0 कहाँ तक है, 0 आप देख लीजिए, 0 कहाँ है, 25 और 28, 28 और 29 के बीच में है आपका, 0 कितना है, 28 और 29 के बीच में है, या मान लीजिए आपका
मेल स्केल इज स्लाइटली हेड ऑफ से 21st डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज एग्जैक्टली कौन सा डी। तो आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए कि 27 से आगे है, तो 15 एक्चुअली ये 27 28 से आगे है, 28 से आगे है, तो ये आपका 28 से आगे है, तो 28 mm का आपका हो जाएगा अगर यहाँ पे देखेंगे। और मान लीजिए 21st डिवीजन वहाँ पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, 21st डिवीजन जो है वो मैच कर रहा है, तो 21st डिवीजन मैच कर रहा है, और वो मान लीजिए आपका रीडिंग जो 28 mm है एग्जाम्पल के लिए, या 27 mm है, तो 27 mm हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 21 का कितना हो जाएगा। हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि 27 mm से मेन स्केल का रीडिंग है और 21st डिवीजन आपका वर्नियर से मैचिंग कर रहा है। मैचिंग करने का मतलब सामने सामने मैच करना चाहिए, से मैचिंग होना चाहिए, तो किससे परफेक्टली मैच होना चाहिए वो मैच हमें देखना पड़ता है कि क्या परफेक्टली किससे मैच कर रहा है, वो देख के हम रीडिंग लेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मैच करने से तो वो मान लीजिए कि 21 डिवीजन मैच कर रहा है, मेन स्केल का रीडिंग कितना है, 27 mm है, तो 27 mm मेन स्केल का रीडिंग हो जाएगा और ये आपका वर्नियर रीडिंग हो जाएगा, और लिस्ट काउंट यहाँ पे अगर 0.02 है तो इतना एमएम आपका क्या हो जाएगा, इसका ये मेजरमेंट हो जाएगा, ये इस पर्टिकुलर मेजरमेंट का हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्नियर हाइट गेज, सिमिलर टू वर्नियर कैलिपर यह वर्नियर हाइट गेज है, तो इसमें भी हम डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं वर्नियर हाइट गेज में। तो इसमें भी आपका क्या है, मेन स्केल होता है, फिर आपका क्या है वर्नियर स्केल, यहाँ पे भी होगा कि यहाँ पे भी आपका क्या है वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल है और यहाँ पे भी आपका मेन स्केल है, बाकी पार्ट्स है जैसे फाइनल एडजस्टमेंट स्क्रू है, स्लाइडिंग स्क्रू हेड है, फिर आपका क्या है क्लैंपिंग स्क्रू है, यहाँ पे क्लैंपिंग है, स्क्राइबिंग जाओ है, तो ये स्क्राइबिंग जाओ क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है, यहाँ पे क्या है आपका स्टैंड है, तो स्टैंड है आपका, स्क्राइबिंग जाओ है, क्लैंप है आपका, और यहाँ पे आपका क्लैंप है, ये आपका ये एडजस्टेबल रिंच आपका एडजस्टेबल या फाइन एडजस्टमेंट आपका स्क्रू है, ये वर्नियर स्केल का प्रूफ ऑफ ब्रैकेट है, यहाँ पे देख सकते हैं वर्नियर स्केल का रीडिंग है, ये मेन स्केल का रीडिंग है, तो इस तरह से हम वर्टिकल यहाँ पे बार है, यह एक वर्टिकल बार है। तो अभी ये डिफरेंट पार्ट्स हमने देखा कि डिफरेंट पार्ट्स है, इसमें भी आपका इसमें भी जो रीडिंग करने का तरीका है या लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने का तरीका है वो सेम है जैसा हमने वर्नियर कैलिपर में हमने कैलकुलेट किया लिस्ट काउंट, उसी तरह से सेम वे में हम क्या करते हैं यहाँ पे भी रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। तो वर्नियर हाइट गेज जो है वो वर्नियर कैलिपर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यहाँ पे भी सेम है वर्किंग प्रिंसिपल इसका। इसका हम यूज करते हैं हाइट, किसी पार्ट्स का अगर आपको हाइट मेजरमेंट करना है, डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए तो वर्नियर कैलिपर बेस्ट है, बट अगर आपको हाइट मेजरमेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हाइट को मेजरमेंट करने के लिए या उसका मार्किंग करने के लिए हम क्या करते हैं हाइट गेज का यूज करते हैं। तो कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस किया हाइट गेज का, और हाइट गेज का कहाँ यूज करते हैं वो हमने डिस्कस किया। अभी कुछ और बातें करते हैं हाइट गेज में कि इसमें क्या होगा, कि हेवी बेस होगा, बेस आपका बहुत ही स्ट्रांग होगा, हेवी होगा, ताकि वो जब जहाँ पे आप रखें तो वो रिजिडली वहाँ पे फिक्स्ड रहे, वहाँ पे क्या हो उसका जब आप रीडिंग करेंगे तो उसमें मूवमेंट ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं हेवी बेस यूज करते हैं, जो कि जो बेस होता है वो फिनिश्ड होता है, एक्यूरेटली फिनिश्ड होता है, बॉटम सरफेस उसका एक्यूरेटली फिनिश होता है, उस पे क्या होता है एक वर्टिकल बार माउंटेड होगा, जिस वर्टिकल बार में हम क्या वहाँ पे क्या होता है कि मेन स्केल ग्रेजुएटेड होता है वहाँ पे, फिर स्लाइडिंग हेड होता है जो कि आपका वर्नियर स्केल का ग्रेजुएशन को कैरी करता है, फिर जिसमें आपका क्या होता है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लगा हुआ होता है जिसको हम अप और डाउन कर सकते हैं, ए ब्रैकेट इज अटैच टू स्लाइडिंग हेड, ब्रैकेट हम उसमें अटैच करते हैं स्लाइडिंग हेड में। तो ये कुछ पार्ट्स है जिसको हमने डिस्कस किया कि ये आपका हाइट गेज का कुछ पार्ट्स है। द ब्रैकेट इज प्रोवाइडेड विद द क्लैंप बाई मीन्स ऑफ विच इनर इंटरचेंजेबल जॉज कैन बी फिक्स्ड ओवर देयर। तो जो आपका यहाँ पे ब्रैकेट है उससे क्या होता है, जो आपका इंटरचेंजेबल जॉ है, जो आपका मेजरिंग स्क्राइबिंग जॉ है, उसको हम क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं। तो क्लैंप का हम क्लैंपिंग स्क्रू के थ्रू हम क्या करते हैं ये इंटरचेंजेबल जॉ को, स्क्राइबिंग जॉ को हम क्या कर सकते हैं इसको फिक्स कर देते हैं। स्टैंड जो आपका होगा वो हेवी होगा ताकि वो आराम से वहाँ पे स्थिर रह सकते हैं, क्योंकि जब मेजरमेंट करते हैं तो हो सकता है आपको एडजस्टमेंट करना हो तो उसमें इसका फॉल ना हो, इसको यह गिरे नहीं, इसके लिए क्या करते हैं हम बेस को हेवी रखते हैं। तो कुछ और पॉइंट्स हैं
इस जॉ का हम यूज करते हैं, चाहे जॉ या आपका ये जो जॉ है हम इसका यूज करते हैं, स्क्राइबिंग जॉ का यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, या हम उसको मार्किंग करने के लिए या स्क्राइबिंग करने के लिए, वर्कपीस पे कोई आपको स्क्राइब करना है, कोई मार्क करना है, तो हम क्या करते हैं इस स्क्राइबिंग जॉ को, या जिसको बोलते हैं इंटरचेंजेबल जॉ को, हम यूज करते हैं। जब जॉ वर्क टेबल को टच करता है तो हम क्या करते हैं, वर्नियर स्केल शोज 0 रीडिंग, तो वहाँ पे क्या होगा वर्नियर स्केल का रीडिंग, व्हेन द जॉज टच द वर्क टेबल वर्नियर स्केल शोज आपका क्या 0 रीडिंग, वहाँ पे 0 रीडिंग शो होगा। एज मेंशन्ड अर्लियर वर्किंग प्रिंसिपल इसमें आपका क्या होगा, सेम होगा जैसे आपका क्या होगा वर्नियर कैलिपर का होगा, और मेजरमेंट हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं माइक्रोमीटर के बारे में, कि ये माइक्रोमीटर क्या है और इसके कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक्चुअल इमेज है माइक्रोमीटर का, ये माइक्रोमीटर का आप देख सकते हैं, आपका एक्चुअल इमेज है माइक्रोमीटर का। तो इसमें आपका क्या है, यह आपका एनविल है, इस पे आपका यहाँ क्या है स्पिंडल है, और यहाँ पे आपका क्या है मेजरिंग फेसेस है। तो कभी भी आपको कोई मान लीजिए आपका कोई मेजरमेंट करना है, कोई डायमीटर मेजरमेंट करना है, आउटर डायमीटर, तो आप आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं। इससे हम क्या करते हैं आउटर डायमीटर ही मेजरमेंट करते हैं जनरली। तो आपको आउटर डायमीटर मेजरमेंट करना है, आपको वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेटली आपको मेजरमेंट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं माइक्रोमीटर का यूज कर सकते हैं। इसमें आपका मेजरिंग फेसेस है, फिर आपका क्या है यहाँ पे लॉकिंग रहता है, यहाँ पे आप लॉक कर सकते हैं यहाँ से, यह आपका यू फ्रेम है आपका, या एक यू फ्रेम है, इस पे आपका स्लीव है, ये आप जिस पे आपका विद वर्नियर ग्रेजुएटेड रहता है, ये आपका मेन स्केल रीडिंग है, और ये आपका क्या है स्लीव है, ये आपका क्या है स्लीव है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या है ये मेन स्केल का रीडिंग है, ये आपका मेन स्केल रीडिंग है, फिर आपका स्लीव डैब जिस पे आपका क्या है वर्नियर ग्रेजुएशन रहेगा, ये थिम्बल है, यहाँ पे आपका सर्कुलर स्केल होगा, और फिर आपका एक रैचेट स्टॉप होती है, जब आप कुछ जॉब को फिक्स करेंगे तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे रोटेट करेंगे, इसमें एक सिंपल सा साउंड आने लगे तो आप समझ सकते हैं कि जॉब आपका क्या हो गया फिक्स हो गया है, अब कोई भी इसका मूवमेंट नहीं होगा। उसके बाद आप रीडिंग ले सकते हैं, रीडिंग कैसे लेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोमीटर के बारे में, यह आपका क्या है मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजरिंग डिवाइस है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है हम इसका, क्योंकि ये आपका ज़्यादा एक्यूरेट है। इट इज ऑल्सो एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक वर्नियर कैलिपर, यह भी आपका वर्नियर कैलिपर की तरह आपका एक आपका एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इससे भी हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं वर्नियर से भी ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं, और इसका यूज करना भी बहुत ईजी होगा। हाँ, आप वर्नियर से कैलिपर कर से कंपेयर करेंगे तो इसका यूज थोड़ा ईजी ही होगा। कुछ और पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, लिखा है। तो फिर और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर आपका क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, आपका इज मोर एक्यूरेट देन एनविल वर्नियर कैलिपर, और इट कंसिस्ट ए हुक टाइप फ्रेम, इसमें क्या आपका है हुक टाइप या यू फ्रेम आपका होता है, एंड एनविल इज फिक्स, इसमें आपका एनविल फिक्स होता है, और उसमें क्या होगा एक मूवेबल स्पिंडल होगा जिसका हम क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं। तो यू फ्रेम है आपका, मूवेबल स्पिंडल है आपका जो आपका मूव करेगा, और उसी स्पिंडल के थ्रू आपका क्या होगा स्केल भी आपका क्या होंगे मूव करेंगे। तो और डिस्कस करते हैं द एंड्स ऑफ बोथ एनविल एंड स्पिंडल आर हार्डेड टू रिड्यूस वियर एंड टीयर। तो इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं कि इसको हार्डनिंग कर दिया जाता है ताकि इसका कोई वियर डियर ना हो। तो जो भी आपको मेजरमेंट करना है वो एनविल और स्पिंडल के बीच में हम उसको जो आपको लाएंगे और मेजरमेंट करेंगे। फ्रेम रहता है जो कि आपका कैरी करता है स्लीव को, थिम्बल को, रैचेट और लॉक नट को कैरी करता है, वो फ्रेम यू फ्रेम। तो यहाँ पे जो लिस्ट काउंट होगा वो आपका 0.05 mm होगा, और द सर्कमफ्रेंस एट द एज ऑफ थिम्बल इज ग्रेजुएटेड इंटू डिविजन्स नोन एज सर्कुलर स्केल। जो आपका थिम्बल पे जो आपका डिविजन है, जो स्केलिंग किया हुआ है, उसको हम सर्कुलर स्केल बोलते हैं। जैसे जैसे आपका थिम्बल मूव करेगा उस पे आपका बैरल भी मूव करेगा, स्पैंडल मूव करेगा एक्जियल डायरेक्शन में। व्हेन द थिम्बल कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन द एक्जियल एडवांसमेंट ऑफ थिम्बल इज नोन एज पिच। तो जब आपका थिम्बल जो है आपका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो जो मूवमेंट होगा उसको बोलते हैं कि पिच हो, एक उसको एक पिच बोलते हैं। रैचेट उसमें हम लगाते हैं थिम्बल पे ताकि आपका जब वो
फाइन प्रेशर लॉक नट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू लॉक स्पिंडल एट एनी डिजायर्ड पोजिशन। आप नट लॉक नट से हम क्या कर सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं ताकि आपका जो रीडिंग हो, जो मेजरमेंट हो, उसका मूवमेंट ना हो। और हम क्या कर सकते हैं, और को भी कुछ मेजरमेंट, कुछ आपका माइक्रोमीटर होगा जिसका हो सकता है डिस्काउंट 0.01 mm भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 mm भी हो सकता है, 0.01 हो सकता, 1 mm हो सकता है, डिपेंड करता है क्या एक्यूरेसी है मेजरमेंट करने का। तो अभी हम बात करते हैं कुछ आपका रीडिंग का, कि डायमेंशन जो होगा जो मेजरमेंट करेंगे वो मेन स्केल का रीडिंग होगा प्लस लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे थिम्बल स्केल के रीडिंग से, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। तो मान लीजिए आपके पास लिस्ट काउंट जो है, लिस्ट काउंट जो मेन स्केल का है वो कितना है आपका, वो 0.5 mm का जनरली रहता है, और आपका जो थिम्बल का लिस्ट काउंट होगा वो 0.01 mm का होगा। तो एक जो आपका मेन स्केल है 50 है, और उसको क्या करता है 50 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो एक पार्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.5/50 mm। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक पार्ट कितना हो जाएगा 0.01 mm। तो इस तरह से जो आपका थिम्बल स्केल है उसका जो रीडिंग होगा वो आपका 0.01 होगा, जो कि उसका लिस्ट काउंट होगा। तो इस माइक्रोमीटर से आप मेन स्केल से 0.5 mm पे एक्यूरेसी तक आप मेंटेन कर रीडिंग ले सकते हैं, और थिम्बल स्केल से आपका जो थिम्बल होगा वहाँ से आप 0.01 mm तक आप ले सकते हैं रीडिंग। तो अभी हम देखते हैं, कोई आपका रीडिंग लेते हैं। यहाँ पे मेन स्केल का जो रिस्ट काउंट है वो 0.5 mm है, तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ से 5 तक गया, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर यहाँ पे आधा भी है, 2.5, 3.5, 4.5, 5 तक गया, तो ये आपका हाफ है आपका, और ये देख सकते हैं आपका 50 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है। तो सर्कुलर स्केल जो है, जो कि थिम्बल स्केल है, वो 50 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और यानी कि 0.5 mm को 50 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, इसलिए एक पार्ट जो हो जाएगा वो 0.01 mm आपका हो जाएगा, और वह माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट आपका हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट 0.5 mm है, और सर्कुलेटर स्केल 50 पार्ट्स में रहते हैं, पिच उसका 0.5 mm का है, क्योंकि एक रिवोल्यूशन के बाद जो आपका मूवमेंट होगा थिम्बल का वो आपका 0.5 mm का होगा, इसलिए उसका पिच कितना हो जाएगा 0.5 mm हो जाएगा। 0.5 mm को थिम्बल स्केल से सर्कुलर स्केल से 0.01 mm में हम डिवाइड करते हैं। कोई यह जैसे रीडिंग है, इसको रीडिंग को लेते हैं, तो यह रीडिंग कितना है, मान लीजिए यहाँ 11 है, ये देख सकते हैं 11 है, और ये 33 का पार्ट्स मैच कर रहा है, तो 11 mm तो मेन स्केल का रीडिंग हो जाएगा, और 33 लिस्ट काउंट से हम क्या करेंगे, तो ये 33 हो जाएगा, तो 11.33 mm आपका इसका क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, और हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे डायल इंडिकेटर के बारे में, कि डायल इंडिकेटर क्या है। तो डायल इंडिकेटर को हम डिस्कस करते हैं, तो डायल इंडिकेटर भी आपका क्या है, यह भी एक मेजरिंग टूल है, साथ ही साथ आप इसका, इससे आप क्या कर सकते हैं, लेवलिंग भी देख सकते हैं कि लेवलिंग कितना है। तो देर आर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेकिंग द चेकिंग लीनियर मेजरमेंट, आपको चेक करने के लिए कि आप वो जो लीनियर मेजरमेंट सही है कि नहीं है। और जो वाइडली यूज होता है, जिसमें डायल इंडिकेटर का जो वाइडली यूज है, वो सरफेस का फ्लैटनेस देखने के लिए, पैरेललिज्म चेक करने के लिए, और आपको क्या करना है, ओवलिटी, सर्कुलर जॉब्स का ओवलिटी देखने के लिए, सर्कुलर जॉब जैसे बार हो सकता है, रॉड हो सकता है, उसका सर्कुलरिटी देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डायल गेज का, डायल इंडिकेटर का हम यूज कर सकते हैं। तो ये जनरली कंपैरेटर की तरह यूज कर सकते हैं, कि हाँ कंपैरिजन करने के लिए किसी रेफरेंस से हम सेटिंग लेके उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए लेस स्किल की जरूरत है, बहुत ज़्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती है, और यह आपको 0.01 mm तक एक्यूरेटली आपका मेजरमेंट, आपका मेजरमेंट दे सकता है, कंपैरिजन कर सकता है। तो इसका भी आपका लिस्ट काउंट 0.01 mm हो सकता है। तो डायल इंडिकेटर इस इन सर्कुलर शेप विद आउटर मेटालिक केसिंग एंड ए ग्रेजुएटेड अलोंग इट्स सरकमफ्रेंस, तो देख सकते हैं सरकमफ्रेंस पे आपका ग्रेजुएशन है, आपका मेजरमेंट है, आपका वहाँ पे आपका मार्किंग किया हुआ है, 0 से लेके आपका देख सकते हैं 90 तक गया, फिर अगेन आपका 91, 92, 95, ये 100 तक आपका आया है। तो ये 100 पार्ट्स में आपका जो है सर, आपका जो मेटालिक आउटर केसिंग है वो 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है,
एंड ग्रेजुएटेड स्केल जो है एलोंगेट सर्कमफ्रेंस मच स्मॉलर ग्रेजुएटेड स्केल विथ पॉइंटेड। यहाँ पे एक और ग्रेजुएशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपका 10 पार्ट में है और वो उस एक पॉइंटर, यहाँ पे भी एक पॉइंटर है, यहाँ पे भी आपका एक पॉइंटर है। तो यार मेजरमेंट जो हो सकता है 0.01 लीस्ट काउंट आपका है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं A1 A2 क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि मच स्मॉलर ग्रेजुएटेड स्केल पॉइंटर A2 है इसमें और इज ऑल्सो प्रेजेंट टू नोट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन द पॉइंटर A1 हैज मेड। तो यहाँ पे दो है आपका, एक A1 है और एक A2 है, वहाँ पे लिखा है नोट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन द पॉइंटर A1 हैज मेड। तो द पॉइंटर A1 आपका जो मेजर हेड में मैच किया। तो दो पॉइंटर आपका यहाँ पे A1 और A2 है आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका A1 है, ये आपका A2 है। कैसे इसका मूवमेंट होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो पॉइंटर A1 एंड A2 आर मूव्ड बाई रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, वहाँ पे रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है। द डायल इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन, तो डायल को हम क्या करते हैं 100 इक्वल डिविजन में डिवाइड करते हैं। ईच डिविजन रिप्रेजेंट्स ए प्लंजर मूवमेंट ऑफ 0.01 mm। तो डायल पे जो मेन आपका सर्कुलर डायल पे जो मिल रहा है वो 0.01 mm का मिलेगा। ड्यूरिंग मेजरमेंट द एंड ऑफ प्लंजर टचेज विद द जॉ, तो प्लंजर जो है वो टच, वहाँ पे प्लंजर भी लगा है हम देखते हैं। ए वेरी स्लाइट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्लंजर इज इंडिकेटेड बाई मूवमेंट ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर जैसे ही मूव करेगा प्लंजर मूव करेगा और आपका वो मेजरमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे केस है ग्रेजुएटेड डायल है, स्पिंडल है यहाँ पे। तो इसमें आपका दो रीडिंग है, दो है आपका आपको मार्किंग है, दो पॉइंटर आपका, एक A1 है और दूसरा आपका क्या है A2 है। यह A1 एक रिवोल्यूशन देगा तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा तो इसका एक मूवमेंट आपका होगा। तो ये 0 से लेके आपका 9 तक जाएगा या 0 से लेके 1 तक इसका मूवमेंट होगा, 0 से लेके 1 तक आपका मूवमेंट होगा। द पॉइंटर A1 मेक्स 1 रिवोल्यूशन, A1 मेक्स 1 रिवोल्यूशन मूव्स A2 थ्रू 1 ग्रेजुएशन। तो A1 अगर आपका एक रिवोल्यूशन लेगा तो A2 1 ग्रेजुएशन से इसका मूवमेंट होगा। रेजिस्टिंग नंबर ऑफ टर्न्स मेड बाय पॉइंटर A1, तो यहाँ पे एंड ऑफ प्लंजर टचेज द विद द सरफेस, ये प्लंजर का जो एंड है वो टच करेगा सरफेस को एंड द प्लंजर मूवमेंट इज मैग्नीफाइड विद गियर पॉइंट अरेंजमेंट। तो इसको मैग्नीफाई किया गया है गियर पॉइंट अरेंजमेंट से और कैसे वो देख सकते हैं। ये स्पिंडल है, रैक है और ये आपका यहाँ पे पिनियन है। तो डिफरेंट पिनियंस यहाँ पे लगे हुए हैं P1, यहाँ पे P2, फिर गियर्स हैं G1 G2 G3 आपके गियर्स है। तो G1 G2 G3 गियर्स है, P1 P2 आपको पिनियंस है, G1 G2 G3 आपके गियर्स है और फिर यहाँ पे जो मार्किंग दिया हुआ A1 A2 वो यहाँ पे है। तो रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म यहाँ पे है डायल इंडिकेटर में, जिसके कारण ये आपका जो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा, यहाँ पे जो स्लाइट मूवमेंट होगा उसको रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म से हम मैग्नीफाई कर देते हैं और उसको यहाँ पे हम देख सकते हैं वेरी इजीली एक्यूरेटली। तो ये आप देख सकते हैं कोई सरफेस है जिसपे आपको अगर इसका देखना है कि क्या यह फ्लैट है कि नहीं पूरा यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ पे इसका फ्लैटनेस चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं डायल इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं इसका अगर कोई इसमें मूवमेंट होगा, थोड़ा सा मूवमेंट होगा प्लंजर का मूवमेंट जैसे ही होगा तो यहाँ पे जो मार्क पॉइंटर A1 है या पॉइंटर A2 है, तो पॉइंटर A1 एक ब्रश के लिए थोड़ा सा मूवमेंट होगा ये दिख जाएगा यहाँ पे। तो पैरेललिज्म आप चेक कर सकते हैं, फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं सरफेस का, वो देख सकते हैं आप, कंपैरिजन कर सकते हैं, डायल इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी हमने डिस्कस किया डायल इंडिकेटर के बारे में, आगे हम डिस्कस करेंगे कैलिपर्स के बारे में कि कैलिपर्स क्या है और कैसे हम इसका यूज करते हैं।